ईसीएल मुगमा एरिया इस वर्ष करेगा 500 करोड़ का व्यवसाय। ईसीएल मुगमा एरिया जो पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रही थी वह अब मुनाफे की ओर चल पड़ी है। इस वर्ष ईसीएल मुगमा एरिया का लक्ष्य 500 करोड़ मुनाफा का है, जिसे हमारी टीम इस लक्ष्य को हासिल करने में अपनी सारी काबिलियत लगा दी है। युक्त बातें ईसीएल मुगमा एरिया के उपप्रभा प्रबंधक बीके सिंह ने कही। कहा कि विगत 2 साल पहले मुगमा एरिया 300 करोड़ घाटे में चल रहा था। यह वर्ष मुगमा एरिया के मुनाफे का साल है, जिसे हर हाल में पूरा करना है। जब कंपनी मुनाफे में होगी तो इसका लाभ न सिर्फ कंपनी के लोगों को मिलेगा बल्कि आसपास के गांव को भी इसका लाभ मिलता है। कंपनी अपने CSR फंड से आसपास के गांव में विकास योजना करती है। हमारे मजदूर साथी लगातार जी तोड़ मेहनत से यह लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बता दें कि ईसीएल मुगमा एरिया में 10 कोलोरी काम कर रही है। आइए बात करते हैं महाप्रबंधक बीके सिंह से कि ये क्या कह रहे हैं। प्रोडक्शन करना है और एट द सेम टाइम जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन है, जैसा कि गत साल 350 करोड़ लॉस था, गत साल वो लॉस 100 करोड़ पे आ गया और इस बार का लक्ष्य है हमारा 500 करोड़ प्रॉफिट का। अगर प्रॉफिट रहेगा तभी गाड़ी आगे बढ़ती है और हम अपने अगल बगल के गांव के लिए या हमारे जो पड़ोस में है हमारा विकास एज ए कॉरपोरेट, हमारा CSR का काम प्लस जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल हैं और आसपास के पड़ोस का माहौल वातावरण सभी को स्वस्थ करने में एज ए कॉरपोरेट हमारा योगदान रहता है। और जब हम अच्छा प्रॉफिट में रहते हैं तो हम और अच्छा खर्च कर सकते हैं और अपने पड़ोस को और अच्छा बना सकते हैं। अडानी जी के माध्यम से अपने वर्कर को प्रोत्साहन करने के लिए क्या बोलेंगे कि प्रोडक्शन अधिक से अधिक? हमारा प्रोडक्शन, हमारा वर्कर हमेशा मोटिवेटेड है। अगर आप किसी से भी बात करें तो वो हमेशा टारगेट नहीं डबल टारगेट की बात करता है। और हमारे कामगार बहुत ही अच्छे हैं और वो सच कहूँ तो बहुत बहादुर कामगार हैं। धन्यवाद सर। अगला न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।